फ्रेंड्स, मैं निधि मेहता, कुक एट होम विद निधि मेहता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ पंचरत्न परांठा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा परांठा है। इसमें ये प्रोटीन से भरा हुआ परांठा होगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बिल्कुल कचौड़ी के स्वाद वाला परांठा बनेगा ये। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। पंचरत्न परांठा बनाने के लिए मैंने ये लिए हैं 5 दालें। यही हमारे परांठे के 5 रत्न हैं, जिसमें 2 टीस्पून उड़द की धुली दाल ली है, 2 टीस्पून अरहर दाल, 2 टीस्पून लाल मलका की दाल ली है, 2 टीस्पून चना दाल और 2 टीस्पून मूंग धुली दाल। और उसके साथ मैंने ये लिया है आटा। आटे की रेशो हम दाल के हिसाब से मैं आपको बाद में बताऊंगी। और मसालों में लिया है 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून ये मैंने सूखा धनिया जिसको जो है उसको क्रश करके लिया है, ऑयल, नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून बेसन, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 1 हरी मिर्च है इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक। सबसे पहले हम दालों को कप या कटोरी के हिसाब से माप लेंगे। ये देखिए, ये मैंने सब दालों को मिक्स करके इस कप में डाल दिया है। ये 1/2 कप दाल है। अब हम एक बाउल में इन दालों को डालेंगे और इसको 3 से 4 बार पानी से धो के 2 घंटे के लिए इसको हम भिगो देंगे। और हमें जब हम आटा गूंदेंगे, जितनी दाल है उसका 3 times हमने आटा लेना है, यानी कि हम 1.5 कप आटा लेंगे बाद में। ये दाल हमारी भीग गई है अच्छी तरह से, और इसका मैंने पानी ड्रेन कर लिया है इस छलनी में। और अब हम इसको मिक्सी के जार में डाल के साथ में ये अदरक और हरी मिर्च डाल के पीस लेंगे। कोशिश करें कि इसमें पानी ना डालना पड़े पीसते टाइम। ये देखिए, मैंने ये सब दालों को पीस लिया है और इसको दरदरा पीसना है, बहुत बारीक इसको नहीं करना है। सबसे पहले हम पैन लेंगे और गैस ऑन करेंगे, और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल को हम गरम कर लेंगे। गैस को हमें धीमी आंच पे रखना है, ऑयल को बहुत तेज गरम नहीं करना है। थोड़ा सा ऑयल गरम हो गया है, हम इसमें डाल देंगे सबसे पहले हींग और जीरा, और इसको सेकेंड्स के लिए भूनेंगे। साथ ही इसमें डाल देते हैं ये जो हमने बेसन 1 चम्मच लिया था। गैस को बिल्कुल धीमी आंच पे रखना है, नहीं तो बेसन जल जाएगा जल्दी। और इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि बेसन का कच्चापन निकल जाए। ये बेसन भुन गया है, देखिए थोड़ा सा लाल हो गया है बेसन। अब हम इसमें अपने बाकी मसाले डाल देंगे। सबसे पहले मैंने डाला है इसमें धनिया, ये सौंफ पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला, कसूरी मेथी, अमचूर पाउडर और नमक, और इन सबको मिक्स कर लेंगे। बेसन मैंने इसलिए डाला है ताकि दालें जो है वो हमारी पैन से चिपके ना और आसानी से हम उसको भून पाए। बस 1 मिनट के लिए इन सब मसालों को भून के और फिर हम दाल की पेस्ट डालेंगे। ये मसाले हमारे भून गए हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं ये दाल की पेस्ट। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हमें इसको भूनना है। ये दालों को भूनना इसलिए जरूरी है, अगर हम ऐसे ही परांठा बना लेंगे बिना भूने तो दालों का कच्चापन परांठे में आएगा। ये देखिए, दालों की पीठी हमारी तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे
और इसको हम ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से। ये दाल की पीठी हमारी ठंडी हो गई है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप आटा। जिस तरह से हम रोटी और परांठे का आटा लगाते हैं उस तरह से ही हम आटा लगाएंगे, लेकिन पहले इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आटा गूंदेंगे। बहुत सारा पानी इकट्ठा हमें नहीं डालना है। ये परांठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम कचौड़ी खा रहे हैं, पर कचौड़ी जो है वो फ्राइड होती है और मैदे की बनी हुई होती है। तो ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। अगर आपका कचौड़ी खाने का मन करता है और आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इस तरह से परांठा बना के खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये देखिए मैंने सेमी सॉफ्ट आटा लगाया है, ना बहुत हार्ड है और ना एकदम बहुत सॉफ्ट है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और इस तरह से लगा के और इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं, अब हम अपना आटा चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा हमारा सेट हो गया है अच्छी तरह से। अब हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए पेड़े बना के मैं इधर रख रही हूँ साइड में इसके। ये देखिए मैंने पेड़े बना लिए हैं। इतने आटे से आपके 9 परांठे आराम से बन जाएंगे। अब इधर मैंने तवा गरम होना रख दिया है। अब हम परांठा बेलेंगे। ये देखिए इस पे थोड़ा सा इस तरह से आटा लगाएंगे, सूखा आटा, और इसको हल्के हाथों से हमें बेलना है। इसको बहुत पतला नहीं करेंगे आज। ये देखिए हमें परांठे की इतनी ही थिकनेस रखनी है। जब तक तवा गरम हो रहा है मैं दूसरा परांठा भी बेल के रख रही हूँ। ये तवा गरम हो गया है, अब हम परांठे को इस पे डालेंगे। गैस को हमें मीडियम टू लो आंच पे ही रखना है और इसको धीरे धीरे सेकेंगे। 2 से 3 मिनट हम एक साइड को सेकेंगे फिर पलटेंगे इसको। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको पलट देते हैं। ये थोड़ा सा नीचे से सिक गया है। अब दूसरी साइड को भी इसी तरह से सेक लेंगे और इस तरफ हम लगाएंगे हल्का सा ऑयल। आप ऑयल लगाना चाहें या घी लगाना चाहें वो आपकी मर्जी है। ये देखिए अब इसको फिर हम पलट देते हैं। इसी तरह से दोनों साइड से हम अलट पलट के और दोनों तरफ हमें इस पे ऑयल लगाना है। अलट पलट के हम इसको सेकते रहेंगे। हमें इसको अच्छा करारा बनाना है परांठे को। परांठा हमारा दोनों साइड से अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है। अब हम इसको इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं एक परांठा और आपको सेक के दिखाती हूँ। ये देखिए परांठा डाल दिया है और इसको हम 2 से 3 मिनट उसी तरह से एक साइड सेकेंगे फिर अलट पलट के हम इसे ब्राउन करेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया और खस्ता परांठे बन के रेडी हैं। आप इसको सीताफल की सब्जी, आलू की सब्जी, अचार किसी के साथ भी खाइए, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और चाहे तो आप इसको सफर में भी ले जा सकते हैं बना के, ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। जल्द ही एक नए रेसिपी के वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।